दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज फिर एक नए विषय में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के बारे में। पीएम स्वनिधि नाम से ये स्कीम है, 10,000 का लोन इसमें मिल रहा है सभी को। जैसा भी आपने एमपी कामगार और एमपी अर्बन से 10,000 लोन के लिए अप्लाई किया, ठीक वैसे ही ये पीएम स्ट्रीट वेंडर से जो स्कीम है पीएम स्वनिधि, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस है, इसके लिए ये प्रोसेस है कि आपको इस स्कीम में यदि अप्लाई करना है तो ये आप खुद स्वयं भी कर सकते हैं, सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं आप घर से बैठे हुए। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस कैसी है कि आपने जो अभी पथ विक्रेता का सर्टिफिकेट बनने के लिए अप्लाई किया था, यदि वो सर्टिफिकेट आपका बन गया होगा तभी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि आपने अप्लाई किया और आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। चलिए मैं इसका पहले सबसे पहले आपको पूरा प्रोसेस समझा देते हैं हम आपको कि कितना ईएमआई आएगा आपका, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई होगा, क्या क्या सर्टिफिकेट आपको लगेंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी जानकारी हम बताते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे की क्या प्रोसेस है। तो देखिए इस स्कीम में आपको 10,000 रुपये तक का एक कार्यकारी पूंजी ऋण दिया जाएगा जिसको आपको मासिक आसान किस्तों में जमा करना है। इसमें आपको कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा आपसे, ये बताया गया है यहाँ पर। अभी ब्याज दर जो बैंक की ब्याज दर होगी वो उस ब्याज दर पे आपको लोन मिलेगा। तो चलिए और आगे प्रोसेस देखते हैं क्या क्या बताया है इसमें। इसमें ब्याज पे आपको देखिए सब्सिडी बता रहा है, 7% की सब्सिडी मिलेगी आपको, 7% सब्सिडी के आप पात्र होंगे, ठीक है। इसमें कैशबैक की भी फैसिलिटी दी गई है, नगद प्रोत्साहन राशि प्रति माह 50 लेन देन यदि आप करते हैं तो आपको 50 रुपये मिलेंगे। यदि 50 अतिरिक्त योग लेन प्रति माह अगले 50 अतिरिक्त जो लेन देन होगा आपका उस पर 25 रुपये प्लस मिलेंगे, यानी आपको 100 योग्य लेन देन पर 75 रुपये प्राप्त होंगे। तो ये कैशबैक की एक स्कीम भी निकाली है गवर्नमेंट में जो आपको कैशबैक वापस दिया जाएगा। यदि आप ये कैशबैक को कवर करते हैं तो आपका ऋण बिल्कुल जितना ले रहे हैं उतना ही पटाना, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लग पाएगा। हाँ, लेकिन यदि आप इसे कवर नहीं कर पाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा हो सकता है, 10,000 की जगह आपको थोड़ा सा ज़्यादा लोन ईएमआई में पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे और प्रोसेस। ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि 24% का इंटरेस्ट लगेगा, ये देखिए आप। उसके बाद 7% की आपको सब्सिडी दी जाएगी, उसके बाद आपको कैशबैक प्रोत्साहन के रूप में जो राशि दी जाएगी कैशबैक, वो उसका जो उदाहरण है नीचे दिया गया है। तो नीचे हम ये जो अनुलग्नक खा दिखा रहा है इसमें देखेंगे कि कहाँ पर है। तो हम सीधे EMI ऑप्शंस पे चलते हैं, आपको EMI का ऑप्शंस दिखा देते हैं। ये देखिए ये है EMI कि आपका जो EMI है 10,000 रुपये पे आपको पहले महीने में 746 रुपये का EMI बनता है जिसमें इंटरेस्ट लग के 200 रुपये इंटरेस्ट लगेगा आपको, और आपका EMI फर्स्ट महीने में कितने का हो जाएगा, 946 रुपये का। आपको 946 रुपये फर्स्ट महीने में पेड करना पड़ेगा। जैसे आप 946 रुपये पेड करेंगे आपको सब्सिडी उसमें 58 रुपये मिल जाएगी, मतलब आपको 58 रुपये आपके अकाउंट में बाद में क्रेडिट होगा, ये तो ये 58 रुपये की छूट इस पे मिल जाएगी, प्लस 100 रुपये का कैशबैक। तो यहाँ से समझिए आप 58 रुपये का आपको क्या मिल गया, ब्याज में सब्सिडी मिल गई, और 100 रुपये का आपको क्या मिल गया, कैशबैक मिल गया। तो टोटल आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया, 158 रुपये का। EMI कितनी है, 946। तो 946 में से 158 माइनस करेंगे तो आपकी EMI आपको कितने की पड़ी, आप ये अंदाज लगा सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं, हम लास्ट में आपको पूरा बताएंगे। फिर उसके बाद आपको सेकंड महीने में 761 रुपये है, तो आपको यहाँ 946 946 देखिए, 945 946, ये पूरा एक EMI है।
आपको 946 रुपये का ईएमआई पटाना है। जैसे आप ये ईएमआई पैड करेंगे तो आप देखिए आपका जो लोन है वो 10,001 रुपये का होता है, उस पर इंटरेस्ट आपको 1,348 रुपये लग रहा है। टोटल आपका आपने लोन कितना 12 महीने में कितना पैड कर दिया ईएमआई में, 11,339 रुपये। अभी इसमें आपको सरकार क्या करती है, 30% सब्सिडी वापस कर देगी, तो ये सब्सिडी आपको 402 रुपये वापस आ गई। प्लस आपको हर महीने 100 रुपये का जो कैशबैक दे रहा है उस हिसाब से आपको 1,200 रुपये का कैशबैक आ गया, तो टोटल आपको कितने रुपये वापस आ गए, 1,602 रुपये। अभी आपने कितना पेड किया, 11,349 रुपये। अभी उसमें से आप 1,602 रुपये को माइनस कर दीजिए तो आपका लोन इससे भी कम पेड किया आपने, लगभग 9,750 रुपये के समथिंग आपने लोन पेड किया है टोटल 12 महीने की किस्तों में। तो आपको वो लोन कितना पड़ा, आपने 10,000 लिया और आपने पैड कितना किया, 9,750 रुपये समथिंग, फिर भी आपको 250 रुपये बच गया। तो ये ऐसा है, सरकार आपको कोई लोन में छूट नहीं दे रही है ना कुछ दे रही है, यहाँ पे सरकार आपके साथ ही आपसे ही पैसा वसूल करके और आपको ही वापस दे रही है। तो समझिए आप इस स्कीम को, आपसे ही 10,000 रुपये पे उसने 24% का इंटरेस्ट ले ली सरकार ने। ये देखिए 24% का आपसे ब्याज लिया, ब्याज लेने के बाद आपको ईएमआई इतनी कर दी, जो ईएमआई आपकी इतनी थी उस पे ब्याज लग के इतना का बना दिया आपसे, और वापस आपको कैशबैक में इतने रुपए दे के वापस आपका टोटल 10,000 आपसे वापस ले लिया समझ लीजिए। तो आप ही ने ब्याज पेड कर दिया, सब आपने कर दिया, आपका पैसा ही आपने चुका दिया है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ आपको सरकार ने यहाँ एक बेनिफिट दिया है, वो है ये कैशबैक और सब्सिडी का। तो ये है दोस्तों कैशबैक और सब्सिडी का सिस्टम। अभी हम चलेंगे अब अप्लाई करने की प्रोसेस पे। तो अप्लाई करना है यदि आपको तो उसका हम प्रोसेस बताते हैं, आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें पात्रता क्या क्या है। पहली पात्रता इसमें दिखाई गई है कि आपका यदि पथ विक्रेता सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो दूसरा इसमें कंडीशन दी है कि आपने पथ विक्रेता के लिए जो अप्लाई किया था उसमें आपका नाम यहाँ पर पोर्टल में चिन्हित कर लिया गया होगा, आ गया होगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप कहाँ से चेक करेंगे, तो चलिए पहले हम वेबसाइट पे चलते हैं, आपको पहले लिस्ट बताते हैं आप लिस्ट में अपना नाम कहाँ से देखेंगे, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिस्ट में चलते हैं। इसके लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे पीएम स्वनिधि, जैसे आप पीएम स्वनिधि सर्च करेंगे ये आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पे आपको क्लिक करना है, ये मेन पेज खुलेगा। अभी सबसे पहले आपको लिस्ट पे आपका नाम देखना है, यदि आपका सर्टिफिकेट बन गया तो ठीक है आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, यदि सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आपको यहाँ पर जाना होगा। पहले यहाँ पे आपको सर्वे लिस्ट पे अपना नाम देखना होगा, तो हम सर्वे लिस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपनी स्टेट चूज कीजिए आप, जो भी आपका स्टेट है, उसके बाद आपका यूएलबी जो भी आपकी नगर पालिका या नगर निगम जो भी है उसको आप चूज करना है, तो हम डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं छिंदवाड़ा, और सर्च करेंगे। आप अपना सारा डिटेल डालकर भी सर्च कर सकते हैं, हम सिर्फ शॉर्ट में सर्च करके देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एसआरएन नंबर जनरेट हो गया है इनका, अभी सर्टिफिकेट जनरेट हुआ या नहीं हुआ लेकिन सर्वे में इनका नाम आ गया। ये देखिए छिंदवाड़ा का है यूएलबी, मेल है ये, तो ये सारे नाम आ रहे हैं यहाँ, आप अपना नाम सर्च कर लें, बहुत सारे नाम डले हुए हैं यहाँ पे, कम से कम 509 पेजेस डले हुए हैं। तो एक पेजेस में यदि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यदि 10 भी होंगे तो 5,000 से ज़्यादा लोगों के नाम इस सर्वे में डले हुए हैं। यदि आपका नाम इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अप्लाई करने के लिए। अभी हमने आपको क्या बताया, सर्च करने का ऑप्शन, यहाँ से सर्च करेंगे आप, स्कीम में जाएंगे और वेंडर सर्वे लिस्ट में जाके अपना नाम सर्च करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, जब आप होम पेज से दिखाते हैं हम आपको,
यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर लोन, तो अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं, या आपको किसी शॉप से करवाना पड़ेगा या किसी एजेंसी के थ्रू करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए एप्लीकेंट, एप्लीकेंट मतलब आप खुद सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लैंडर, बैंक या जो भी एजेंसी हैं वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकती हैं। तीसरा है आप नगर पालिका, नगर निगम, यूएलबी, जो भी आपका है स्टेट में, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं आपका लोन के लिए। चौथे में आपको दिखाता है सीएससी। जी हाँ बिल्कुल, आपके यहाँ एरिया में जो भी कॉमन सर्विस सेंटर है, सीएससी सेंटर है, आप वहाँ से भी इस आवेदन को पूर्ण कर सकते हैं। आप यहाँ वहाँ से भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपसे सेल्फ नहीं बन रहा है तो आप सीएससी को चूज कर लें, सीएससी सेंटर में जाएं, उनको बोलें, वो लोग आपके लिए अप्लाई करेंगे। पहले हम एप्लीकेंट में दिखाते हैं कि आपको एप्लीकेंट पे जाना है। अब अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। मोबाइल नंबर वही डालिए जो शायद आपने पथ विक्रेता का सर्टिफिकेट बनाते समय डाला हो, तो उसी को डाल दीजिए। तो हम सिर्फ यहाँ पे आपको एक डेमो दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आई एम नॉट रोबोट, तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे, ये देखिए ये राइट का निशान लग जाएगा। अब रिक्वेस्ट ओटीपी, इस पर आपको क्लिक कर देना है क्योंकि आप सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे ओटीपी आएगा आपका, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक क्लिक कर दीजिए। देखिए अब वेरीफाई किया आपने तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आ रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, आपको यहाँ टिक करना है। उसके बाद आपका, यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपने अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका दिखाता है यदि आपको एक लेटर इश्यू कर दिया गया है लोन के लिए, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। यदि आप रूरल और अर्बन दोनों में से हैं, सेमी अर्बन में हैं आप, और आपको एक लेटर यूएलबी के द्वारा इश्यू किया गया है, तब भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए हम ज्यादातर, ये अभी तो ये दो लोग ही मिलेंगे हमें। एक तो पहला आपको स्ट्रीट वेंडर में जो जिनका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया पहला, वो मिलेंगे, और जिनने अप्लाई किया और लिस्ट पे नाम है, और जिनको नहीं हुआ वो मिलेंगे ज्यादातर। तो हम ये पहला सर्टिफिकेट है इस पे टिक करने की जगह नहीं है, ये वाले में टिक करते हैं, और सर्वे में नाम है क्योंकि जिसका सर्टिफिकेट है वो तो इजीली कर सकता है। अब देखिए यहाँ से आपका सर्वे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, SRN। तो SRN नंबर हमने आपको कौन सा बताया था, आपको यहाँ से जाना है स्कीम में, वेंडर सर्वे लिस्ट पे जाके आपने जब नाम सर्च किया, एक बार फिर से दिखा देते हैं हम आपको। आपने ये छिंदवाड़ा डाला मान लीजिए, और ये लिस्ट में आपका नाम आया। आप अपने लिस्ट में नाम देख लीजिए, उसके सामने देखिए ये सर्वे नंबर दिया है। इस सर्वे नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है। आप अपना जो भी सर्वे नंबर सर्च कीजिए और डालिए। जैसे आप डालेंगे, इसके बाद का आपको प्रोसेस फॉलो करना है। नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूरा डिटेल मांगेगा, सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट, नहीं है तो नहीं है। हम बाद में इसका भी आपको अप्लाई करके ही बताएंगे, पहले तो आपका ये वैलिडिटी चेक करेगा। आपको फिर फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो वो जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर देना है, उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इसके लिए एक खास चीज़ और बता देते हैं हम आपको, इसमें एक फॉर्म भी लगता है। ठीक है, तो वो फॉर्म कहाँ से निकलेगा हम वो भी आपको बता देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो आपके सामने ये देखिए फर्स्ट में आएगा अंडरस्टैंड द लोन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। इसमें आपको ये देखिए व्यू एंड डाउनलोड फॉर्म, एक फॉर्म दिखाएगा, ये फॉर्म आपको फिल करना है। ये अंदर आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, अभी ऑफलाइन का तो मुझे पता नहीं कि आपको बाकी प्रिंट निकालना होगा आपको इसका सर्टिफिकेट
सकता है, बैंक में आपको ये जमा करना होगा, कंफर्म नहीं कह सकते हम। ये 3 पेज का एक प्रिंट आउट है, इस प्रिंट आउट पे आपके सिग्नेचर लगेंगे आपका जमा करने के लिए, तो इसको आपको प्रिंट निकाल के रखना है। सेम यही फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने पे आपको ऑनलाइन भी भरना होगा, इसमें आपसे पूछेगा कि आपने इसके पहले किस किस स्कीम का फायदा लिया है, ये नीचे आपको टिक करना रहेगा। सेम यही फॉर्म ऑनलाइन निकलेगा आपका, ऐसा ही भरना है आपको ऑनलाइन फॉर्म। आपका लोन का रिक्वायरमेंट कितना है, 10,000 का है तो वर्किंग कैपिटल है, आपका लोकल रेफरेंस मांगेगा, 2 लोगों के मोबाइल नंबर एड्रेस मांगेगा, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस करना है। इसके बाद आपको एक इसका फीस भी पेड करना होगा, जो कि लगभग 100 रुपये से कम का फीस है। तो आप सेल्फ पेड करें या फिर CST सेंटर में जाके अप्लाई करवा रहे हैं तो वो लोग पेड कर देंगे, तो इसके लिए आपको एक फीस पेड करके ही अप्लाई हो पाएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये है स्कीम स्वनिधि के लिए, पीएम स्वनिधि के लिए। आपको बहुत दिनों से आप लोन के लिए अप्लाई के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ कहाँ से होगा, तो ये सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद या सर्टिफिकेट जनरेट होने वाला होगा आपका, बाकी होगा तो भी आप अप्लाई कर सक रहे हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें, तो आज ही फटाफट अप्लाई कर लीजिए, और जैसे ही हमारे पास कोई नई अपडेट आएगी फिर आपको बताते हैं। आगे के वीडियो में हम आप इसको अप्लाई करना भी बताएंगे, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे हम आपको पूरा वीडियो में अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे ऑनलाइन लाइव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। ओके बाय।